Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। काफी कुछ किया, काफी कुछ दोस्तों को समझाने की कोशिश की, मगर इंशाल्लाह और बहुत करना बाकी है और आइंदा वो करेंगे। प्लीज ओवर टू यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सरदारी साहब इधर आए, उन्होंने हमारे साथ हमें कल इन्होंने शमूलियत करवाई पीपीपी में, एंड हम इसी को आगे लेके चलेंगे, इसी दोस्ती को। हमें कहा गया था पीपीपी ज्वाइन करने से पहले कि पीपीपी ऐसे पार्टी है जो कि इज्जत देने वाली पार्टी है, जो कि आपको अपनी एक जगह देती है, और इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी कि ये इधर आए। कल भी हमसे इन्होंने मुलाकात की, तो ये एविडेंस काफ़ी है इनकी मोहब्बत और इज्जत का। थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, पीपल्स पार्टी की ये कभी से मियाँ साहब की तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। हमने तो एक जियाला जो है उसको खड़ा किया, जियालों का हक है, उनकी डिमांड है कि हमारे हमेशा खड़े रहें, तो वाई नॉट, उनको हक देना चाहिए हमें। यंगस्टर भी है, जियाला भी है, और आप लोग सब उसको जानते हैं, वारिस मीर का बेटा है, उसको हमने खड़ा किया। बाकी ये तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की स्टोरी थी, और इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट किया, और मरियम बीबी की आप स्टेटमेंट पढ़ लें जो उसके बाद उनने दी है अपनी विक्ट्री के बाद, तो काफ़ी कुछ उसी में है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप राइट पे मेरे देखें तो ये नजरियाती है, इनका वालिद भी हमारे साथ था, और राइट चले नजरियाती है, मगर फ्रेश ब्लड की हमेशा पार्टी को ज़रूरत होती है। फ्रेश ब्लड, स्पेस, इनको यंगस्टर्स को आगे लेके आना, इनको सियासत में जगह, ये भी पार्टी का एक शोभा है। तो इसमें बिल्कुल पार्टी ऐसा करती है और पार्टी को करना चाहिए। हर पॉलिटिकल फोर्स को, नई यूथ को अपने साथ मिलाना चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए। दो सवाल है मेरे, एक तो ये कि इमरान खान कप्तान आपके सिंह में जाके विकेट गिरा रहे हैं, जाकर जदोई शमूलियत कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपने यहाँ माशाल्लाह आपने वो बताया परफॉर्मेंस, इस ये खेल जो है अगर मजीद तक चलेगा, यहाँ उनकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मतदान में जलसे की क्लियरेंस नहीं दी। दूसरा ये कि फॉर्मली आप अनाउंस करेंगे कि मिसाक जमहूरियत खत्म हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो आपके हवाले से चुप हैं, लेकिन आपके जो है वो बम्बारियाँ हो रही है। देखे ना, आपके सवाल है, एक तो पांच सवाल हैं आपके, और बात सीधी सीधी है कि अगर लियाकत जतोई को आप विकेट समझते हैं तो फिर मैं आपकी सियासी बसीरत पे थोड़ा सा शक करता हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल, मियाँ साहब से अगर वसा करनी होती हमसे वफा के जमहूरियत, तो प्रेसिडेंट कराची जेल में नहीं होता, मेरे इतने मिनिस्टर्स जेल में नहीं होते। हालांकि ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है पंजाब में, मैं नहीं कहता कि मेरे पास सब अच्छा है, मगर पंजाब में जितनी है और जितनी फेडरल गवर्नमेंट में ऑप्शन है, उनको एक साथ मिलाएं, ठीक है। अगर आपको एक बंदा मिला कहीं कुछ करता हुआ नज़र आता है, आप उसको भी उठाएं, मगर तीन अपने भी तो उठाएं, कि दैट इज़ द स्कोर। पांच अगर इनके गंदे अंडे हैं तो हमारा आधा भी नहीं होगा। तो इस तरह का कानून नहीं है कि वन साइडेड चले। ये मुगल बादशाह बन गए थे, शहजादा सलीम बन गए थे, मैंने इनको लंदन से कहा कि आप शहजादा सलीम मत बने, उसके बाद मैं वापस आया, मैंने इनकी हुकूमत बचाई। अगर मैं चाहता तो उस वक्त मैं रिज़ाइन करता, सेनेट रिज़ाइन करती और केपीके रिज़ाइन करता, तो इनकी हुकूमत चली गई थी और नई इलेक्शन करानी पड़ती इनको, मगर हमने नहीं किया। अब ये वक्त है, और ये भी मैंने पहले ही बोला हुआ है
कि मैं 4 साल सियासत नहीं करूँगा, लास्ट ईयर सियासत करूँगा। तो ये लास्ट ईयर है, हमने सियासत करनी है। जरदारी साहब ये बताएं कि माजी में कहा जा रहा था 4 सालों तक कि ये काम एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ले रही है, अब लोग कह रहे हैं कि वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी वहाँ उस मसनद पर बैठ गई है, क्या बताएंगे आप कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की खुशपनाई आपको हासिल है या नहीं? मैं तो देखता हूँ, मुझे नजर नहीं आती, मेरे पीछे तो पुराना वर्कर खड़ा है। थैंक यू जी। सर एक क्वेश्चन सर, लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, अभी NA20 का जो इलेक्शन हुआ है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने तकरीबन 1400 से 1500 वोट हासिल किए, इसको किस नज़र से देखें आप, और पंजाब में क्या पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी मुरतब करेंगे? उनका प्राइम मिनिस्टर उनका और नई रजिस्ट्रियाँ मोटरसाइकिल्स की, अगर सिर्फ आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लें, और जो काम हुआ है 3 महीने में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आप देख लें, तो इंशाल्लाह जब उसका मुकाबला कर सकेंगे तो इसे बेहतर रिजल्ट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पिशावर में PK90 के साबिक MPA गुलाम मोहम्मद की PPP में शमूलियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पेशावर में PK90 के साबिक MPA गुलाम मोहम्मद की PPP में शमूलियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया।